हेलो दोस्तों, आप सभी देख रहे हो जसवीर प्लम्बर यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हो ये सिंक है जो कि बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है। आप देख सकते हो इस सिंक की आपको मैं कीमत तो नहीं बता सकता, लेकिन इसकी कीमत को मैं हाइड रखता हूं क्योंकि मैंने कस्टमर से पता भी नहीं किया है और कन्फर्म है ये सिंक की जो रेंज है करीबन 5 से 6 हज़ार के बीच में है। और यह इसकी जाली है, वेस्ट जाली जो बोलते हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की है। आप इसको बहुत ही आसानी से फिट कर सकते हो। तो दोस्तों आप सभी देख रहे हो इसमें हम सफ़ेदे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये इसका नट है जो कि काफ़ी हैवी है। अभी मैं ये ऊपर की पैकिंग है, एक पैकिंग ऊपर से लगती है, एक पैकिंग नीचे से लगती है। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, इसमें इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस मैं दिखलाऊंगा। और जो कि जो इसकी टैप है, टैप की क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी है। और आप सभी देख सकते हो मैंने इसके दोनों ऊपर का हिस्सा अलग रख दिया है, और ये बोल्ट है और ये नीचे का है। ये ऊपर जो साइड में एक और रखा है छोटा सा, वो कूड़ा नीचे ना जाए उसके लिए होता है। आपको मैं एक एक वीडियो में देखो, अब मैं सफ़ेदा लगा रहा हूँ इसमें। आप देख सकते हो चारों किनारी पर सफ़ेदा लगाया जाएगा ताकि यह जाली लीकेज ना करे। आप सभी देख सकते हो गाइस, चारों तरफ इसको बहुत ही धीरे धीरे इसमें सफ़ेदा लगाया जाएगा। तो दोस्तों आप सभी देख रहे हो मैंने ऊपर इसमें सफ़ेदा लगा लिया एक तरफ, और अभी चारों कोने हैं जो कि आराम आराम से लगाया जा रहा है। और अभी मैं इसका जो नीचे का फेस है वो नीचे से लगाऊंगा, जो ऊपर का फेस है तो ऊपर रख के इसमें बोल्ट डाल के मैं आपको कसकर पूरी वीडियो में दिखलाऊंगा। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें और ज़्यादातर वीडियो को लाइक करने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार से आपको रिलेटिव प्लम्बर की लाइन की वीडियो मिलती रहेंगी इस चैनल पर आप सभी को। और दोस्तों ज़्यादातर लोगों को शेयर करें। दोस्तों आप सभी देख रहे हो मैंने चारों तरफ सफ़ेदा लगा दिया है। ये देख सकते हो मैंने गाइस ऊपर से इसको रख दिया है। अब इसका नीचे का जो फेस है आप समझ ही सकते हो, क्योंकि पैकिंग दोनों तरफ है, वो नीचे से लगा के इसमें एक नट जो आपको दिखलाया था मैंने खोलकर वो कस दिया जाएगा चाबी से, जो कि चाबी की मैं नंबर बता देता हूँ, 14 और 15 की चाबी नंबर से लगेगा। आप सभी देख सकते हो गाइस, दोस्तों ये जो सफ़ेदा है नीचे वाले हिस्से पे भी लगाया जाएगा और ऊपर वाले हिस्से पे भी, क्योंकि आप सभी को पता है सिंक तो आपने काफ़ी देखे होंगे लेकिन वो समस्या क्या आती है लीकेज की। तो दोस्तों यह है जो सफ़ेदे का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार में इसका फिक्स हो जाएगा, लीकेज बिल्कुल भी नहीं करने की कभी भी। और जाली की बात करें, जाली तो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने की, एक बार में ही नट कस के कोई लीकेज नहीं आने की है। अभी हम इसको कस के आपको पूरा प्रोसेस दिखलाएंगे इस वीडियो में। ऐसी है दुकान वाले, यहाँ के प्लम्बर ना आज तक धोती भी ना मंगाई हुई है, वहाँ के प्लम्बर धोती मंगा मैं दिल्ली में नवेड़ा में, और वो भी कई कई धोती हम खुद मंगा कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी देख सकते हो इसका जो बेस्ट पाइप है, क्योंकि दो जाली लगती हैं इसमें और इस तरीके से इसकी टी है, और इसमें बासल का विशेष ध्यान रखें क्योंकि ये देख सकते हो चार बासल हैं जो कि हर एक जो कसने वाला फेस होता है उस पर एक बासल लगेगा क्योंकि लीकेज ना करे। आप सभी देख सकते हो इस बासल का विशेष ध्यान रखें इसको कसने से पहले। दोस्तों लीकेज की बात करें, बिल्कुल भी लीकेज नहीं करने की, मैं आप सभी को चेक करके भी दिखलाऊंगा विथ प्रूफ के साथ इस वीडियो में, बने रहिए। और दे रखे हैं कंपनी वालों ने,
क्या आपको टॉप पर भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप सभी ने देख लिया, वेस्ट का पाइप तो कंप्लीट हो गया और जाली भी। तो दोस्तों ये टैप है जिसका मॉडल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, और इस टैप की कीमत काफ़ी हाई रेंज की है, और जो टैप है काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का टैप है, इसको हर एक प्लम्बर नहीं कर सकता है। और मैं आप सभी को इसका पूरा प्रोसेस दिखलाऊंगा। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी परेशानी में है तो इस वीडियो से अपना समाधान कर सकता है। आप सभी देख सकते हैं ये जो रोलर रखा है ये इसलिए है, जो इसमें बीच में पाइप है इसका वजन नीचे खींचें, ये इसमें काफ़ी वेट होता है। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने ये पीवीसी कनेक्शन नीचे कर दिए हैं जो हमने हॉल किया था मार्बल के उसमें। तो दोस्तों अभी मैं आपको इसको कसकर पूरा प्रोसेस दिखलाऊंगा, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देख सकते हो गाइस मैंने ऊपर से भी ये पीवीसी कनेक्शन निकाल दिए, और आपको मैं रोलर दिखला देता हूँ कैसे लगाया गया है, वो जो मैंने ब्लैक कलर का होल है। तो अब ये दोनों पीवीसी कनेक्शन में कसकर आप सभी को दिखलाता हूँ मैं। तो दोस्तों पता है आप सभी को मैं बता देता हूँ, दोस्तों आप सभी देख सकते हो पीवीसी कनेक्शन को बिल्कुल भी चेक करें ताकि ये लीकेज ना रहे। इसमें तोता प्लास हमने ले लिया है, तोता प्लास से इसके दोनों नट चेक कर लिए जाएंगे, और इस बात का हम पानी खोल के अभी आपको हम टैप को चेक करके भी दिखलाते हैं इसको किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। पानी हमने खोल दिया, तो देख सकते हो गाइस पानी अब कैसे आता है। ये देख सकते हो गाइस इसमें मोटर और टैंक का हमने दोनों फिट कर दिया है, और इस टैप की खास बात ये है जो इसका बीच का देख सकते हो, ये देखो मैं जिधर भी चाहूँ उधर कर सकता हूँ, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हो गाइस पूरा प्रोसेस कैसी लगी इस वीडियो को। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि काफ़ी प्लम्बर फंस जाते हैं इस टैप को लगाने में, तो इस वीडियो से आप सीख सकते हो काफ़ी आसानी से। और आप सभी देख सकते हो ऊपर का जो ये जाली है वो भी अभी फिट, ये देख सकते हो ये सब्जी के लिए होती है, इसको भी रख दिया जाता है जो सब्जी का पानी है वो निचड़ जाए। तो दोस्तों आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से एक सीख ही देना चाहता हूँ मैं, और बाकी आप सभी जानते हो वीडियो को क्या करना है, शेयर करना ना भूलें। तो धन्यवाद आप सभी का। देख सकते हो एक बार और आपको चेक करके दिखला देता हूँ मैं, ये देखो ये अब इसमें अभी टैप कर रहा हूँ, ये देख सकते हो गाइस ये हमारा फाइनल डिसीजन है, टैप हमारा कंप्लीट हो गया है। और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। तो धन्यवाद आप सभी का।